नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं बंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ हैदराबादी खट्टी दाल बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये दाल बनाना बहुत आसान है, एक बार बनाकर खा लोगे ना तो वीक में एक आध बार तो ज़रूर आप बनाकर खाओगे, क्योंकि स्वाद थोड़ा सा अलग जो मिलता है ना। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। हैदराबादी खट्टी दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तुअर दाल 1 कप भर करके ले लिया था। वॉश करके इसको 2-3 घंटे पहले मैंने भिगा करके रख दिया था, क्योंकि जल्दी कुक हो जाता है। लेकिन समय ना हो ना भिगाने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी लेके सीधा बना सकते हैं। लेकिन मैं अक्सर भिगा करके बनाती हूँ, थोड़ा टाइम सेव होता है। इस जगह पे आप मूंग का दाल ले सकते हैं, मसूर का भी दाल मिक्स करके बना सकते हैं, तुअर दाल में चने का दाल ले सकते हैं, इन सब दालों में बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ले लेंगे कुकर। आप ओपन पॉट में भी बना सकते हैं, कुकर में थोड़ा जल्दी हो जाता है। 1 कप पानी है, क्योंकि मैंने वॉश करके इसको भिगाया था तो वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा दाल इसमें डाल देंगे और उसके बाद ये खट्टी दाल है। हाँ, तो यहाँ पे 4 बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया है, 3 ग्रीन चिली है, ये बहुत ज़्यादा तीखा वाला है इसलिए 3 डाल रही हूँ। आप बिना तीखा वाला डालेंगे ना तो 4-5-6 डाल देना आप। 1 टीस्पून फुल एकदम अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 6-7 करी लीव्स ये साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत इजी दाल है, हेल्दी टेस्टी और बहुत इजी दाल है ये। मसाले में 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और मिर्ची के ऊपर आप ध्यान देना, तड़के में भी मिर्चा हम डालेंगे इसलिए उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही डालना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1/3 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, नमक डाल दे रही हूँ अभी स्वाद के अनुसार, बाद में टेस्ट करके हम एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा कम पे डालना, नहीं तो ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। नमक डाल दिया, अब इसके बाद हम इसमें 2 कप पानी और डालेंगे। 1 कप पानी और डाल दे रहे हैं, टोटल 4 कप पानी मैंने डाला है। कुकर का लिड लगा करके हम इसमें, अब ये भीगा हुआ दाल है तो 2 सीटी में हो जाएगा, अगर मैं बिना भीगा हुआ दाल आपने लिया है तो 4-5 सीटी आराम से लगा देना। कुकर का लिड लगा करके 2 सीटी हम लगा लेंगे इसमें। यहाँ पर मैंने ले लिया है इमली, इसमें सीड नहीं है, बिना बीज वाला भी आता है ना मार्केट में, मैंने वो लिया है। आप इस तरह का पेस्ट के रूप में भी आता है ये, बड़ा इजी होता है, मैं ये भी यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ, आज मैं ये यूज़ कर रही हूँ। भिगा कर इसको रखना है, थोड़ा सा गर्म पानी करके, गुनगुना पानी करके भिगा कर रख दो, नहीं तो अगर मैं आप प्लान करके बना रहे हो तो 1-1.5 घंटे पहले नॉर्मल वाटर में भिगा करके रख सकते हो। अभी इसकी क्वांटिटी कितनी है आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना खट्टा आप खाना पसंद करते हैं, कम से कम खट्टे में भी बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो 1 टेबल स्पून आप इसको ले सकते हैं, अगर मैं ना अंदाज मिले तो एक छोटे साइज़ का नींबू नहीं होता है उस साइज़ का आप ले सकते हैं। अब इसमें कौन सा अंदाज़ बताए ना, तो यही अंदाज़ परफेक्ट है नींबू का। तो इसको हम भिगा रहने देते हैं। कुकर ठंडा हो गया है, दाल एकदम बढ़िया पक गया है, चेक कर लेते हैं, एकदम अच्छे से कुक हो गया है। अब हमने यहाँ पे इमली जो भिगा करके रखा था ना, इसको इसका पानी ले लिया है, इसमें ये ऐड कर देंगे इमली का पानी। और इमली बाद में क्यों डालते हैं इस चीज़ पे आप ध्यान देना, इमली खट्टा होता है, पहले डालकर पकाएंगे ना दाल तो पकेगा ही नहीं दाल, क्योंकि खट्टास खट्टा होता है ना इमली, इसलिए तो बाद में ही डालें। तो ये तो घोटने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सार हो जाए ना, एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी में आ जाए ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आप इस तरह से भी रख सकते हैं, क्योंकि कुक हुआ ही है ये अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा मथनी से हम मथ देंगे तो और बढ़िया कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। मैं फ्लेम को ऑन कर देती हूँ और ये जो है ठीक है, पतला होता है ये दाल, पतला अच्छा लगता है, लेकिन कोई ये नहीं है कि पतला ही रखना है, जिस तरह की कंसिस्टेंसी आपको दाल का पसंद हो वैसा रखना। तो मैंने पानी थोड़ा और ऐड कर दिया है, मुझे पर्सनली दाल बहुत ही पतला अच्छा लगता है, बिल्कुल भी थिक दाल मुझे पसंद नहीं है। मैंने बॉयल वाटर डाला था तो जल्दी से बॉयल होने लगा है ये, ठंडा पानी भी डाल सकते हो, थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ेगा इसलिए मैंने बॉयल वाटर पका करके पानी तब डाला है गर्म पानी। 2 टेबल स्पून हरा धनिया इसमें डाल देंगे,
और इसको 3 से 4 मिनट तक हम पकने देते हैं और कंसिस्टेंसी ये परफेक्ट है। और नमक टेस्ट करके इसी स्टेज पे एडजस्ट कर सकते हो आप। दाल एकदम अच्छे से कुक हो गया है, सिर्फ इसमें तड़का लगाना है। सीधा कुकर में भी तड़का लगा सकते हैं। मैं दूसरे बर्तन में निकाल करके फिर तड़का लगाती हूँ। ले लिया यहाँ पे कांच का बाउल, इसमें पूरा दाल हम निकाल लेंगे। यहाँ पर रख दिया है तड़का पैन, इसमें घी या तेल किसी भी चीज़ का तड़का आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ घी और थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले रही हूँ, 2 टेबलस्पून एकदम फुल। घी गरम हो गया है, इसमें 2 टीस्पून एकदम फुल डाल देंगे सरसों का दाना, मस्टर्ड सीड। सरसों का दाना चटकने लगा है, 1 टीस्पून एकदम फुल हम इसमें डाल देंगे जीरा इसी स्टेज पे, और 1 टेबलस्पून हम लहसुन डाल देंगे इस तरह के बड़े बड़े पीसेस में। आप बारीक काट करके भी डाल सकते हो, ऐसा जो है दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। इसी के साथ ये भी डाल देंगे और बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भुनना है, पकाना है। बहुत बढ़िया कलर आने लगा है, इसी स्टेज पे हम डाल देंगे 1/3 टीस्पून। मैंने इसमें हींग डाल दिया है, हींग मैं दाल में डालती ही डालती हूँ। अगर मैं आपको स्किप करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन यही है खाने के बाद पचाने में बहुत हेल्प करता है। 4 सूखी लाल मिर्च इसी स्टेज पे हम डाल देंगे और कुछ करी लीव्स। तड़का एकदम प्रॉपर रेडी हो गया है, मैंने स्लो आंच पे पकाया है, बिल्कुल भी जला नहीं है, बहुत बढ़िया सुनहरा कलर आ गया है इसमें। अब इसको तड़का को हम दाल के ऊपर डाल देंगे। और अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। एकदम बढ़िया खट्टा दाल, एकदम हैदराबादी खट्टा दाल बन करके स्वादिष्ट रेडी हो गया है। गर्मा गर्म चावल बनाओ और क्या चाहिए, सब्जी वब्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप लोग भी बना करके एंजॉय कर सकते हो। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है सच्ची। कैसी लगी ये रेसिपी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना। मेरे इस वीडियो को, मेरे इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक जो नए होंगे इस चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।